हाँ फ्रेंड्स, जनसुनवाई में आपने कंप्लेन किया उसके आख्या का रिपोर्ट चाहते हैं कि आपके जनसुनवाई में जो आपने कंप्लेन किया उसका सुनवाई हो चुका है तो उसका रिपोर्ट कैसे आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको आना है जनसुनवाई पे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, तो यहाँ पे हमें संदर्भ संख्या लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पे दिनांक दिया गया किस तारीख को हमने आवेदन किया था, उसका स्टेटस वर्तमान का स्टेटस आज का दिख रहा है, इसके बाद यहाँ शिकायत संख्या लिखा रहेगा, इसके बाद यहाँ जो आवेदक रहेंगे उनका नाम लिखा रहेगा, आवेदक का विषय क्या है, किस चीज के लिए कंप्लेन किया है उन्होंने यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे किस विभाग के, जैसे इनको राशन कार्ड के लिए दिया है तो खाद्य एवं रसद विभाग को अग्रसित किया गया है। नियत जो निस्तारण का डेट था 31 तारीख को इनको शिकायत का निस्तारण होना था। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्तर कहाँ है, तहसील स्तर पे। इसके बाद इसने जो अपलोड किया होगा तो यहाँ संलग्न में रहेगा, क्लिक हेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट लगाया गया है, यहाँ पे अग्रसित तिथि तारीख दिया गया है, नियत तारीख किस तारीख की सुनवाई हुई है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अधिकारी को अग्रसित किस तारीख को, किस अधिकारी को अग्रसित किया गया है, यहाँ पे आदेश क्या लगाया गया है यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आख्या का दिनांक दिया गया है, किस तारीख को आपका रिपोर्ट लगाया गया है। इसके यहाँ पे आख्या का रिपोर्ट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, महोदय जांच की आख्या संकलित है, यहाँ पे आख्या संलग्न कर दिए हैं, यहाँ पे आख्या श्रेणी में प्राकरण मांग श्रेणी का है, स्थिति में यहाँ पे देखिए स्पेशल क्लोज निस्तारण, यहाँ पे संलग्न पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आख्या लगाया होगा, आदेश लगा रहेगा यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आख्या में जो रिपोर्ट लगाए हैं अधिकारी लोग यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जन सुनवाई पे जो भी आपने कंप्लेन किया है उसका आख्या का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है, जन सुनवाई लिखना है, जन सुनवाई जैसे आप लिखेंगे इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, पहले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ये पॉपअप कट कर देना है, इसके बाद शिकायत की स्थिति पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपका शिकायत संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे कर देना है, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना जनसुनवाई का जो कंप्लेंट करेंगे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आख्या का रिपोर्ट क्या लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।